फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। अगर आपको मेरी फिल्में पसंद नहीं है तो मत देखिए। इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया है किसी और एक्टर ने नहीं बल्कि खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने। हाउसफुल फो को लेकर जिस तरह से क्रिटिसिज्म हुआ, ये सभी ने देखा किस तरह से धोबी के कपड़े जैसे फटाफट इसी तरह से फटाफट जैसा कपड़े को धोया जाता है, उस तरह से इस फिल्म को कई क्रिटिक्स ने अपना समझ के धो दिया। लेकिन ऑडियंस ने इस फिल्म को बहुत ही बड़े तौर पर प्यार से एक गेंद की तरह उछाला और ऐसा उछाला कि वो फिर छक्का ही गया, वो फिर ग्राउंड के अंदर रुका नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म को लेकर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए, जनता ने इस फिल्म को काफी बड़ी तरह से एक हिट करवाया। लेकिन हाँ, अक्षय कुमार से सवाल बार बार पूछा जा रहा था तो हाल फिलहाल में भी अक्षय से ये सवाल जब पूछा गया तो अक्षय ने साफ साफ कहा कि देखिए भाई, ये एक फिल्म है, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। एक कॉमेडी कैरेक्टर था, हो गया, वो खत्म हो गया। आपको मेरी फिल्म पसंद नहीं है या आपको कोई भी फिल्म पसंद नहीं है तो आप मत देखो। लोगों को बोलो भाई हमको नहीं पसंद है, आपको भी नहीं पसंद, आप भी मत देखो। लेकिन तुम्हें जो काम है वो तो तुम करोगी, ये मेरा काम है। चाहे कॉमेडी रोल हो, चाहे नेगेटिव रोल हो, चाहे रोमांटिक रोल हो, एक्शन रोल हो, मैं करूंगा। ऐसा खुद अक्षय ने कहा, मेरा काम है, मैं करके खत्म कर रहा हूं। आपको पसंद है देखो, नहीं पसंद नहीं देखो। तो ये सब चीजें हैं और ये सब चीजों पे साफ साफ अक्षय सीधी बात अपसेट है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जैसे जर्नलिस्ट होते हैं वो आर्टिकल लिखते हैं, उनको लगा कि पिक्चर अच्छी नहीं तो उन्होंने लिखा, या किसी पिक्चर अच्छी लगी उन्होंने तारीफ किया, किसी कोई जो पढ़ रहे रीडर जो उनको पसंद नहीं है आर्टिकल कि भाई गलत आर्टिकल लिखा तो वो मन ना पड़े, वो मेरा आर्टिकल ना पढ़े। तो इस तरह से मतलब कैसा है कि हर किसी को अपने अपनी चीजों की फ्रीडम है। आपको नहीं पसंद मत देखो, मेरे को नहीं पसंद है मैं नहीं देखो। तो इस तरह से सीधी सीधी बात कही अक्षय कुमार ने, मेरे ख्याल से जो बहुत ही सही बात भी है। If you don't like, don't watch it. If you don't like to read, don't read it. सीधी बात है, मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं है देखना मत देखिए, समझ रहे हो ना। तो कैसा है ना, वो सबका अपनी पर्सनल चॉइस है, यानी कि मेरे कहने पे तो आप देखो या नहीं देखो वैसा नहीं होगा ना। आपको लग रहा होगा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर बंदा दे रहा है या मैं दे रहा हूँ तभी तो आप देखोगे। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक, इट्स योर चॉइस। आप लोग नहीं देखते तो मेरा नहीं होता चैनल, इतने सालों से अगर देख रहे हैं तो लोग पसंद कर रहे हैं, लोग मानते हैं, लोग भरोसा करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं, गालियां भी देते मानता हूं, पर कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द दे डू सपोर्ट मी, दे डू डू लव मी, मुझे प्यार करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं लोग और बहुत अच्छा लगता है। कल भी मुझे किसी कोई अचानक मिला और उससे कहा कि भाई आपके मैं वीडियो देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इट ऑल अबाउट हाउ पीपल परसीव यू। आपको पसंद तो देखो, नहीं पसंद मत देखो, सीधी सी बात है। मैं को वो बंदा अच्छा ही लगता है या मेरा वो फैन नहीं होता, सीधा बोलता भाई ये घटिया वीडियोस बनाना बंद कर, ये बोलता ना। उनको पता ही चलो ठीक है, बंदा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अपना जो कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है। तो वही है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक योर थिंग, इट्स ऑन योर हैंड ना। नहीं पसंद पीछे मत देखो। सो अक्षय कुमार की इस बोल्ड स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय जरूर बताइए। क्यों अक्षय कुमार ने ये भी कहा कि देखो फिल्म के पहले ये हमेशा दिखाया जाता है कि स्मोकिंग किल्स है ना, वो जो धूम्रपान करते हैं उससे है ना जान जाने का खतरा है, लेकिन लोग करते हैं, क्या रुका है वो? तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक के ऊपर, उनको जो दिल करता करे, नहीं करता नहीं करे, सीधा सीधा है। आई थिंक दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट बाय एन एक्टर फ्रॉम ए स्टेचर लाइक अक्षय कुमार। बाकी आपकी क्या राय है अक्षय कुमार के इस बोल्ड स्टेटमेंट पर, आप कितने सहमत हो, कितने एग्री हो, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय।